इमरान आरिफ साहब, हसन बेग साहब, मोहम्मद अदनान साहब, सज्जाद हैदर साहब, मुजम्मिल शाह साहब, फैजान रावत साहब, तहसीन आपती साहिबा, मुनीर साहब और सभी हमारे काबिले इज्जत व एहतराम हाज़रीन महफिल और हमारे जो प्यारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, मेरी बहनें, मेरे नौजवान भाई, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे लिए बड़ा ऑनर है कि मैं एक टैलेंटेड बच्चों को हमने सर्टिफिकेट दिए ताकि वो एक अच्छी जिंदगी गुजार सके। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो विजन है कि बेहतरी, भलाई, तरक्की और उसके साथ साथ जो बड़ा अहम इशू है हमारा एम्प्लॉयमेंट का, रोजगार का, और ख़ास तौर पर जो नौजवान बच्चे बच्चियां हमारे, उनके लिए तो बहुत यहाँ पे प्रोग्राम हमने शुरू किए हैं, क्योंकि इस वक्त हमारी गवर्नमेंट जो है सिंध प्रोविंस में है, तो उन्होंने खसूसी हिदायत दी हैं सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब को, और उनकी पूरी टीम इस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं कि ताकि जहाँ पे डेवलपमेंट कराई जा सके, दीगर चीज़ें उसके साथ साथ रोज़गार। मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगा हसन फाउंडेशन, ANII और इनके साथ साथ जो इनके सपोर्ट कर रहे हैं कि जो हुकूमत का काम है वो ये खुद कर रहे हैं और बच्चों को एक मौका फ्राहम किया जा रहा है कि वो अपना रोज़गार कर सकें। इसमें सिंध गवर्नमेंट ने जो IT डिपार्टमेंट है हमारा, उसने काफ़ी काम शुरू किए हैं और IT पार्क्स और दीगर चीज़ों पे काम हो रहा है, और वो बहुत जल्द जो है कुछ तो शुरू हो चुके हैं, लेकिन उनका अभी तक कोई इतना ज़्यादा सामने नहीं आया। तो चेयरमैन साहब ने इस दफ़ा भी वॉर्न किया था कि ये जितने IT पार्क आप लोगों ने शुरू किए हैं वो फौरी तौर पर शुरू हो जाने चाहिए ताकि जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, हमारी बच्चियाँ हैं, बेटियाँ हैं, बेटे हैं, उनको ट्रेंड भी हों और फिर रोज़गार मिल सके। अब भी एज अ फॉरेन मिनिस्टर, वो जब भी जिस मुल्क में जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ पे यही उनकी बात होती है कि आप जो हमारे लोग वहाँ पे बच्चे ट्रेन हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको यहाँ पे रोज़गार के मौके दिए जाएं, या जो हमारा स्किल्ड बनते हैं लोग, जिनको हुनर आता है, उनको भी वहाँ पे। तो जहाँ जहाँ वो गए हैं वहाँ से एक बड़ी तादाद में हमें उन्होंने इजाज़तें दी हैं कि आप अपने लोगों को भेजें। और क्योंकि यहाँ पे मेरी बेटियाँ बैठी हैं, बेटे बैठे हैं, नौजवान हैं, इनको पुरानी चीज़ें याद नहीं होंगी, लेकिन आज इंटरनेट है, पूरी तारीख आप सब उसमें जा सकते हैं कि आज भी जो सबसे अहम इशू है हमारा ज़रे मुबादला का, कि जो हम लोग डॉलर्स और फिर आप केल में हैं कि रुपए की कदर कम हो रही है, लेकिन ये जो पैसे इस वक्त आ भी रहे हैं, ये भी जब शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, जब उन्होंने पासपोर्ट बनाया और मुख्तलिफ ममालिक में लाखों पाकिस्तानियों को वहाँ पर भेजा, जो बहुत सारी फैमिलीज वहाँ पर सेटल्ड हैं, और ये कई वहाँ से भी ये ज़र मुबादला आता है, और हमारी ये ख्वाहिश है और इंशाल्लाह हम ये करके दिखाएंगे कि जो यहाँ से हमारा लोग बाहर जाएंगे इसी काम के लिए, तो ये एक सिलसिला जारी और सारी रहना चाहिए। मेरी बात हुई है अपना नान साहब से भी, हसन बेग साहब से और नान साहब से और दीगर हमारे दोस्तों से, कि एक और मज़ीद इसमें हम आपको सपोर्टिव क्या मज़ीद किया जा सकता है, तो उसमें आपसे सजेशंस लेंगे और इन पर फौरी तौर पर अमल किया जाएगा। और हमारा असल मकसद है कि जैसे आप बच्चों को ट्रेन करते हैं, उसके बाद उनको एवेन्यू मिले, मौके मिले कि वो जहाँ पे अपना रोज़गार कर सकें, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। तो उस सिलसिले में हमने कुछ काम किया है, कुछ आप मज़ीद हमें सजेस्ट करें कि हम उस पर क्या किया जा सकता है।
तो बिल्कुल करेंगे। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आप ने अभी बताया था कि एक जो रजिस्ट्रेशन फी होती है 1000 रुपए के लिहाज से, तो अभी उसमें हमारा हिस्सा भी डालें और कम से कम 100 बच्चे हमारी तरफ से आप उनकी भी मजीद भी कभी कोई भी जरूरत हो तो भी हम आपके साथ हैं। और लेकिन असल इशू ये है कि इन बच्चों को आगे अर्निंग्स होनी चाहिए, तो उस सिलसिले में आपके प्रोग्राम भी हैं कुछ, हम भी जो उसमें कर सकेंगे और ये हमारा फर्ज है कि हम कर सकें, ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे सिंध में, दीगर शहरों में भी ये काम हो रहा है, वहां भी आप हमें ये सजेस्ट कर सकते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। और मैं हमारे दो पंजाब से भी आए हैं, आपने मिलाए थे मुझे, उन सबको हम वेलकम करते हैं जी। थैंक यू।